In the last class, what we had discussed, मैंने आपको इसमें बोला, and you can understand what I am asking, है ना? Yes sir. तो तुम तो लगे कि मैं क्या पूछ रहा हूँ ना? हम अपना इसे explain कर दिया. In the last class, पिछली क्लास दे बिच, पिछली क्लास दे बिच मतलब केड़े समय दिखा लो हो रही है? Past. Very good. In the last class. असि की डिस्कस किया सी असि की डिस्कस किया सी ता बेटा ए नेक्स्ट पे बोले के व्हाट वी हैड डिस्कस्ड है ना व्हाट वी हैड डिस्कस्ड बेसिक की डिस्कस कर चुके सी पास्ट दी गल हो रही है ता ओदे विच की लगाया मैंने हैड प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म लगाया व्हाट वी हैड डिस्कस्ड ठीक है और आई कैन वी कैन आल्सो से व्हाट वी डिस्कस्ड ओनली सेकंड फॉर्म ओनली सेकंड फॉर्म की डिस्कस किया सी व्हाट वी डिस्कस्ड ता हुन इधर देखिए देखो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना अपन की डिस्कस किया सी तो उन्होंने मैं कह के जिदा की मूरे होवे जिदा की अगे होवे फिर तो डू डिड जो हेल्पिंग वर्ब होता वो अगे आता होता कि तुसी काम किता कि उसने काम किता ठीक है हुण आपां इहदे नहीं कह सकते कि असी डिस्कस किया सी आपां इहदे कहिंदे असी की डिस्कस किया सी यस ऑर नो जिदा की अगे है फिर तो हेल्पिंग वर्ब अगे आएगा जे की अगे नहीं हैगा क्वेश्चन जो पूछा जा रहा ओ मीन ओदा जो मेन कीवर्ड है ओ फ्रंट ते नहीं हैगा बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस दे विच नहीं हैगा पंजाबी दे विच फिर असी की यूज करदे आ डब्ल्यूएच वर्ड की यूज करदे आ डब्ल्यूएच वर्ड्स कैसे होंदे हैं व्हाट व्हाई व्हेन वेयर हाउ एटसेट्रा ओके सो मैंने क्या बोला है इन द लास्ट क्लास व्हाट वी हैड डिस्कस्ड और आई कैन से मैं ये भी कह सकता इन द लास्ट क्लास व्हाट वी डिस्कस्ड ओके डिस्कस किया बेटा अपने हु विल टेल देखो हुण मैंने कहा हु विल टेल कौन दसेगा कौन दसेगा ता हु मींस कौन विल टेल दसेगा कौन दसेगा विल फ्यूचर हु विल टेल अंडरस्टैंड बेटा यस सर हु विल टेल कौन दसेगा रेज योर हैंड हु विल टेल बेटा फास्ट व्हाट इज दिस इन द क्लास ऑफ मोर देन 100 स्टूडेंट्स नो वन रेज द हैंड इज टेल मी हु विल टेल बेटा व्हाट वी हैड डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास वेरी गुड बेटा वेयर योर कॉन्फिडेंस हैज गॉन आपने यही सीखा है तीन साल में कि जो क्लास में डिस्कस किया वो कभी आपने इन फ्रंट आके बताना ही नहीं किसी ने नो वन हैज अ कॉन्फिडेंस व्हाट इज दिस यस मीन जो स्टूडेंट खास के हैंड करेगा वी विल क्लैप फॉर हिम हर यस हु विल टेल वेरी गुड क्लैप फॉर कॉलेज पलक इज इन फिफ्थ क्लास पलक इज कौन सी क्लास में और फिफ्थ क्लास के ऊपर कितनी क्लासेस यहाँ पे बैठी है सिक्स सेवन्थ एट्थ क्लास अभी आप देखो कौन सुपीरियर है आपसे आप सुपीरियर है नहीं बच्चा सुपीरियर है हु इज सुपीरियर टू यू पलक इज सुपीरियर टू यू यस पलक एक्सप्लेन बेटा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड हमने टेंसेस के रिगार्डिंग डिस्कशन किया था वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस वेरी गुड यस पलक नेक्स्ट और कुछ जो आपको रिमेम्बर है सर आपने बताया था टाइप आगे हमने टाइप्स ऑफ मीन हमने टेंसेस डिस्कस किए थे आगे उनकी टाइप्स डिस्कस की थी हमने ओके यस वेरी गुड गो सिट डाउन क्लैप फॉर पॉल एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट
the classes from second second class onwards are sitting here, ma'am. Or third class onwards, beta? Here, third, fourth, fifth, sixth. Okay, fine. So now, what is your homework of speaking class? आपका homework क्या है? Daily किसी भी student को मैं randomly उसका introduction करवा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है? Any student will ask for introduction. कोई भी student बेटा आएगा उसको introduction ही बुलाया जा सकता है, ठीक है? So आपको introduction करवाई हुई है ना सभी ये सभी teachers ने, yes or no? Yes. तो अपनी introduction prepare कर लो सभी बच्चे, and we will ask for the introduction from tomorrow. कर लो तो सही introduction किसी भी बच्चे को randomly उठा के पूछ सकते हैं कि अपने introduction करवाओ, ठीक है? And जे किसी ने अपना introduction भी ना देना आया, ठीक है? After that फिर उसी क्लास में लगाऊंगा. Understand? क्या बताया बेटा? बैग नहीं देखना किसी ने, बैग नहीं देखना, जस्ट फ्रंट बेटा कैमरा मैन मूव कर लो. मैंने क्या दिया है होमवर्क के लिए? क्लास में जाना है. अंडरस्टैंड? सेल्फ इंट्रोडक्शन बोला गया है आपको. सो आपको बोला था इंट्रोडक्शन, ठीक है? ऑल स्टूडेंट मस्ट प्रिपेयर फॉर द इंट्रोडक्शन. आपको अपनी इंट्रोडक्शन देनी आनी चाहिए, ओके? प्रॉपर्ली दैट आपको पता होना चाहिए हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. आपने कैसे इंट्रोड्यूस करवाना है अपने आपको, ठीक है? ओके, एनी प्रॉब्लम? नो सर. वेरी गुड. तो जस्ट मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूं इंट्रोडक्शन के. फर्स्ट यू हैव टू मेंशन योर नेम. माय नेम इज इंट्रोडक्शन बेटा. गुरप्रीत आएगी आपको गुड इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं. हाउ टू गिव गुड इंट्रोडक्शन. थैंक्स फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी. आई वुड लाइक टू से मायसेल्फ, माय नेम इज गुरप्रीत कौर. आई रीडिंग 8th स्टैंडर्ड. आई रीडिंग जीनेक्स एकेडमी. आई बिलोंग टू शुतराणा. माय फादर नेम इज मिस्टर मेजर सिंह. माय मदर नेम इज मिसेस जगदीप कौर. वेरी गुड. क्लैप फॉर. तो बेटा मींस वैसे मीन हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सिंपल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे हम. एंड आफ्टर दैट वी कैन डिस्कस आवर स्ट्रेंथ एंड पॉइंट. हमारी गुड ऑफ स्ट्रेंथ होती है दैट वी आई हैव वेरी गुड हैंड राइटिंग, ठीक है ना? तो आप अपनी मीन स्ट्रेंथ एंड पॉइंट जो है आपके वो बता सकते हैं. किसी को कोई वीकनेस होती है वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है? दैट आई कैन डू वर्क इन सनलाइट, धूप में काम नहीं कर सकता मैं, ठीक है? ओके, नेक्स्ट योर हॉबीज. यू कैन आल्सो से योर हॉबीज. देखो फर्स्ट सेंटेंस किसे क्या बोला था गुरप्रीत ने? थैंक्स फॉर गिव मी चांस टू इंट्रोड्यूस माइसेल्फ, ठीक है? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट कि मेनू इंट्रोड्यूस करवा दे चांस दे ली थोड़ा बहुत धन्यवाद, ठीक है? माय नेम इज, ठीक है? माइसेल्फ नहीं यूज करना आपने. क्या यूज करना है? माय नेम इज. आपने नेम बताना है. माय नेम इज दैट, ठीक है? आई एम डैश इयर्स ओल्ड. आप कितने साल के हो? आप कहां पे स्टडी करते हो? आई हैव स्टडीड इन जीनेक्स एकेडमी एंड आई रीड इन विच क्लास? जो क्लास में आप पढ़ते? आई रीड इन 8th क्लास. ओके, नेक्स्ट इज दैट हो गया. अबाउट योर फैमिली, नेक्स्ट अबाउट योर फैमिली, ठीक है? आई बिलोंग टू न्यूक्लियर फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली मींस टू दैट छोटी फैमिली है ना जितनी होती है. एंड इफ यू आर लिविंग इन ज्वाइंट फैमिली यू कैन से आई बिलोंग्स टू joint family or live in joint family. I belong to nuclear family. I have 4 members in my family. जितने आपके members हैं वो बता सकते हैं. I have dash members in my family. My brother, my sister जो भी हैं आपके, ठीक है? Okay, my father, my mother. Next उनके occupation के बारे में. My father is a farmer. My mother is a housewife. Okay, my brother is doing study in where जो भी आपका where is it? ठीक है? Understand बेटा? Yes sir. तो कैसे start करना है? आपका name, आप कहां पे रहते हो? आई बिलोंग टू पात्रा, आई बिलोंग टू शुतराना, आई बिलोंग टू गागा, जहां भी आप रहते हो. ओके, अंडरस्टैंड? नेम, माय नेम इज दैट, आई बिलोंग टू दैट, ठीक है? कहां? मींस इन डिस्ट्रिक्ट पटियाला पंजाब. ओके, अंडरस्टैंड? नेक्स्ट
आई एम 18 इयर्स ओल्ड, ठीक है, योर क्वालिटी, आई रीड इन 8th क्लास, ठीक है, आई रीड इन 8th क्लास सिंपल, ओके बेटा, योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, माय हॉबीज आर दैट, ठीक है, इन माय फैमिली देयर आई बिलोंग टू न्यूक्लियर फैमिली, आई हैव 3 मेंबर्स और 4 मेंबर्स, आई हैव 5 मेंबर्स इन माय फैमिली और 4 मेंबर्स इन माय फैमिली, ओके, अंडरस्टैंड बेटा? यस सर. एनी प्रॉब्लम? नो सर. वेरी गुड. तो रैंडमली मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ दैट इट विल बी योर टर्न, तो आपको इंट्रोडक्शन देनी आनी चाहिए. ओके बेटा, सो नाउ मूविंग टू टेंसेस. टेंसेस के बाद हम करते हैं, हमने इंडेफिनेट कर लिए थे ना सभी, प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी कर लिए थे हमने, सिंपल टेंसेस कर लिए थे, नेगेटिव भी कर लिए थे और इंटरोगेटिव भी कर लिए थे. वेरी गुड. सो जस्ट रिवाइज इट, एक बार रिवाइज करेंगे ना, जस्ट रिवाइज को वंस, एक बार रिवाइज करो इन. सो असी क्लास लगाते हाँ, असी क्लास लगाते हाँ, असी क्लास लगाते हाँ, चेंज इट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश, वी टेक, टेक से लगाना बेटा, यहाँ पे टेक से लगाना, क्यों लगाना, क्योंकि वी क्या है, एक से ज्यादा है, असी, वी टेक क्लास, वी टेक क्लास, ठीक है, असी इंग्लिश स्पीकिंग क्लास लगाते हाँ, इंग्लिश स्पीकिंग क्लास लगाते सी, असी इंग्लिश स्पीकिंग क्लास लगाते सी, यस बेटा हरमन, We took English speaking class. Will we take English speaking class? Okay? Understand, beta? Yes, sir. ठीक है, असी English speaking class नहीं लगाते सी, असी English speaking class नहीं लगाते सी, we did not take English speaking class. Okay? असी English speaking class नहीं लगाते हाँ, असी English speaking class नहीं लगाते हाँ, we do not take English speaking class. Understand बेटा? Okay? तो indefinite हो गया आपका, है ना? Clear है सभी को? Now we will move to continuous. Present definite हो गया, past definite हो गया, future definite हो गया. Now we move to present continuous, past continuous and future continuous. Okay बेटा? Present continuous, past continuous, future continuous. So I was already told you. ठीक है, मैं तुहानू पहले ही दस्या सी, ठीक है, मैं तुहानू पहला ही दस्या सी, I was already told you. Understand? मैं तुहानू पहला ही दस्या सी, I was already told you. की दस्या सी? Continuous means लगातार. तो कोई भी काम जेड़ा लगातार चल रहा वो प्रेजेंट है, चल रहा सी पास्ट है, चल रहा होगा हो, कोई भी कम है कंटिन्यू का मतलब लगातार, जो कम हूं चल रहा है ना वो चल रहा है वो की है प्रेजेंट है, जो को पहला चल रहा थी वो पास्ट हो जाएगा, जो चल रहा होगा फिर क्यों होगा हो फ्यूचर च. फॉर एग्जांपल जस्ट टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल आप लेने हैं, तो इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास चल रही है, पहले दसो प्रेजेंट कंटिन्यू है, पास्ट कंटिन्यू है, फ्यूचर कंटिन्यू है, वेरी सिंपल ना. इस तरह की है, पास्ट की है, पहला वर्ब सेकंड फॉर्म है, फिर इज़ आर है, फिर हैड है, फिर की है, इज़ आर ते हैड, ठीक है,
हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस की है बी दे फॉर्म से याद कर लो इज एम आर एंड वाज वर्ब तो इज एम आर की है प्रेजेंट फॉर्म से वाज वर्ब की है पास्ट फॉर्म से ठीक है तो की है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में की लगता है इज एम आर की लगता है इज एम आर पास्ट कंटिन्यूस में की लगता है वाज वर्ब ठीक है एक जी सब तो बड़ी पहचान है सब तो मेजर पहचान की है कंटिन्यूस की आई एन जी लग्या होगा बेटा की लग्या होगा आई एन जी इंग ठीक है इंग प्लेइंग प्लेइंग ठीक है आई एन जी लग्या होगा प्लेइंग प्लेइंग मीन्स खेड रहा प्लेइंग ठीक है रीडिंग स्टडिंग प्लेइंग ओके चीटिंग राइटिंग अंडरस्टैंड बेटा एनीथिंग यू कैन taking, giving, ठीक है ना taking, giving, writing, playing, कुछ भी जिसे आई एन जी है उसे किया हो वो कंटिन्यू है उसको समझते हो कि वो कंटिन्यू अब किया हो कंटिन्यू है ठीक है देखो बहुत ही फॉर्म होंगे बेटा प्रेजेंट पास्ट पास्ट पार्टिसिपल ठीक है जी चीज इन्होंने नहीं आती वो कहना रही है कंटिन्यू चल रही है कहना रही है अंडरस्टैंड बेटा एनी प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम रोक दी कितने मिनट हो गए 16 मिनट के नौ 16 मिनट हो दो मिनट तो पकड़ जा So, what we are discussing, बेटा? देखो मैंने मैं की बोले what we are discussing असि की डिस्कस कर रहे हैं हाँ कर रहे हैं है ना की डिस्कस कर रहे हैं what we are असि की डिस्कस कर रहे हैं पूछ रहे हैं कर रहे हैं ना continuous सी का है इसी का है so continuous जिसे ing है वो क्या है कंटिन्यू है मीन्स वर्क चल रहा है ठीक है इट कैन बी इन द पास्ट इट कैन बी इन द प्रेजेंट इट विल बी इन द फ्यूचर ओके मीन्स इट कुड बी इन द पास्ट इट कैन बी इन द प्रेजेंट इट विल बी इन द फ्यूचर एनी प्रॉब्लम सो नाउ जस्ट टेक एन एग्जांपल ठीक है तुसी इंग्लिश स्पीकिंग क्लास लगा रहे हो प्रेजेंट कंटिन्यूस तुसी मींस तुसी असी इंग्लिश स्पीकिंग क्लास लगा रहे हैं वी आर टेकिंग इंग्लिश स्पीकिंग क्लास ठीक है और यू कैन आल्सो से वी आर टेकिंग स्पोकन इंग्लिश क्लास और यू कैन आल्सो से वी आर टेकिंग इंग्लिश क्लास ठीक है ना अंडरस्टैंड बेटा एनी प्रॉब्लम सो नेक्स्ट असी स्कूल जा रहे हैं वी आर गोइंग असी घर जा रहे हैं वी आर गोइंग टू होम सर गुड नोट वेरी गुड नोट रोहित देर मैम सर गुड नोट स्टैंड बेटा सर एंड मदर सेइंग ही इज प्लेइंग ऑल द डे गेम एंड सेइंग सैड टू आवर मदर कि हमें स्कूल से वर्क नहीं मिलता और फोन भी टच नहीं कर रहे थे मम्मा एंड सिस्टर को Okay, my window. So, next, what we are talking about? अच्छी school जा रहे हैं हम, ठीक है? We are going to school. अच्छी कहाँ जा रहे हैं? We are going to home. ठीक है? अच्छी शुतुराने जा रहे हैं? We are going to शुतुराने. अच्छी जा रहे हैं? We are going to शुतुराने. Understand? अच्छी बटेटे से जा रहे हैं? अच्छी हीराना को जा रहे हैं? जा रहे हाँ मीन्स हूँ जा रहे हैं अभी ठीक है नाओ प्रेजेंट की गल हो रही है ओके बेटा एनी प्रॉब्लम तो मैंने आपको बताया इज एम आर इज एम आर तो किदा बेटा जिदा मीन्स जेड़ा काम कर रहे बंदा वो एक है फिर तो इज लगना है ठीक है जे कुछ ज्यादा बंदा की लगना है आर लगना है जे आए आ गया आए नाल की लगना है वेरी सिंपल देखो पता ही है ना मैं कहाँ जा रहे हैं आई एम गोइंग टू
going to home? Adhi kar ja rahe hain? We are going to home. Tusi kar ja rahe hain? You are going to home. Theek hai, hun tusi ho. Tusi ik vi ho, tusi ik ho. Jyada vich ta aare lagiya tha. Ki lagiya? Aare. Theek hai, kyunki je apan likhde tu kar ja rahe hain, tu kar ja rahe hain. Hun tu ta ik hai na? Par lagega aare. You are going to home. Theek hai, je tusi hai ta vi you are going to home. Okay? ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਬੇਟਾ ਯੈਸ ਸਰ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੋ ਸਰ ਵੈਰੀ ਸ਼ੁਭ ਯੈਸ ਸ਼ੁਭ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਸ਼ੁਭ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ शुभ पटियाले जा रही है वेरी गुड ठीक है शुभ एंड ऐश शुभ ते ऐश पटियाले जा रहे हैं शुभ एंड ऐश आर गोइंग टू पटियाला एक तो ज्यादा हो गया ना ठीक है सिट डाउन बेटा वेरी गुड सो मींस के इज एम आर की याद रखना पर इज एम आर वेरी सिंपल बहुत सिंपल जी गल है बेटा नेक्स्ट की है ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਪਾਸ ਅਗਰ ਕਾਸ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਵਾਸ ਵਰਬ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਵਾਸ ਕਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਵਰਬ ਕਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਪਲੂਰਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਲੂਰਲ ਕਹਿ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫੋਰਨਰ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੀ ਵਾਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਕੂਲ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੋਮ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੀ ਵਾਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਕੂਲ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਦੇ ਵਰ ਦੇ ਵਾਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਕੂਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਬੇਟਾ ਯੈਸ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ वेरी गुड नेक्स्ट आज बेटा फ्यूचर कंटीन्यूअस दे तो तुम्हें पता है कि फ्यूचर कंटीन्यूअस विच विल दा लगे ही होता है ठीक है तो कंटीन्यूअस दे विच की लग जांदा है विल बी की लग जांदा है विल बी ठीक है ही विल बी गोइंग टू स्कूल वो स्कूल जा रहा होगा ही विल बी गोइंग टू स्कूल शी विल बी गोइंग टू स्कूल अंडरस्टैंड बेटा यस सो नाउ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਟਾਈਪ ਸੈਂਟੈਂਸ ਟਾਈਪ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਡ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਿਵ ਹੀ ਇਜ਼ ਰੀਡਿੰਗ ਉਹ ਨਾਉ ਉਹ ਨੋਵਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨੋਵਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੀ ਇਜ਼ ਰੀਡਿੰਗ ਨੋਵਲ ਹੀ ਇਜ਼ ਰੀਡਿੰਗ Novel. He is reading novel. Oh, novel नहीं पढ़ रहा है. He is not reading novel. की वो novel पढ़ रहा है? He is not reading novel. बेटा की वो novel पढ़ रहा है? देखो ध्यान ना. वो novel पढ़ रहा है. He is reading novel. वो novel नहीं पढ़ रहा है. He is not reading novel. वो की वो novel पढ़ रहा है? Is he reading novel? बिगनिंग ऑफ द ਇਹ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਵਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨੋਵਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਵਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਯੈਸ ਬੇਟਾ ਗਗਨ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਗਗਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਟ ਦਾ ਡੋਰ ਹੀ ਆਏਗਾ ਬੇਟਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਜਸਟ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਜ਼ਿਊਮ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਸ਼ਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਓ ਕਲੋਜ਼ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਓ ਕਲੋਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਓ ਗਗਨ ਸਿਡਮ जस्ट
Take one more example. Yes, Simran. आपके आगे दो सिमरन हैं. Yes, you. सिमरन दौड़ रही है. सिमरन इज सिमरन नहीं दौड़ रही है. की सिमरन दौड़ रही है. Sit down. Yes, गांधी. Stand up. You. गांधी पढ़ रहा है. हाँ, वेरी गुड बेटा. गांधी पढ़ रहा है. पढ़ाओ. शाबाश. सही बोल रहे हो तुमने. ओ वाह, वेरी गुड. शाबाश दो मिनट. शाबाश, शाबाश दो मिनट. नूर सना. बारिश कपड़े पा रहा है. कपड़े कौन देंगे? वेयर बेटा, वेयर. बारिश कपड़े पा रहा है. वेरी गुड. इन बारिश इज राइटिंग. जिन बारिश कपड़े पा रहा है. वेरी गुड. वेयरिंग. वेयरिंग. वेयरिंग क्लॉथ. समझे? ओके बेटा. जिद बारिश टोपी पा रहा है. वेरी गुड. जिद बारिश इज कैप. वेयरिंग. वेयरिंग कैप. हाँ, ओके. अंडरस्टैंड? जिद बारिश बज रहा है. वेरी गुड. जिद बारिश क्रिकेट खेल रहा है. इज प्लेइंग क्रिकेट. वेरी गुड. सनी शर्ट पा रहा है. वेरी गुड बेटा. सनी इज वेयरिंग शर्ट. सनी इज शर्ट. बेटा समझ लग रहा है ना तुम्हें? यस. यस अर्श. स्टैंड अप बेटा. अर्श यूनिफॉर्म पा रही है. अर्श इज वेयरिंग. बेटा अर्श इज वेयरिंग यूनिफॉर्म. स्टैंड अप बेटा. अंडरस्टैंड? यस सर. नेक्स्ट मैं पढ़ रहा हूं. आई एम रीडिंग. आई एम
रीडिंग। गुरप्रीत कपड़े धो रही है। गुरप्रीत इज वॉशिंग क्लॉथ्स। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो प्रॉब्लम? नो सर। ओह सैर ते जा रहे हैं। ओह सैर ते, निरोत्तम स्टैंड अप बेटा, बनाओ इसको। ओह सैर ते जा रहे हैं। ओ करमजीत, करमजीत इसके पीछे लकी है। करमजीत है ये लकी है बेटा। ओके मैम, नहीं सर, स्टैंड अप। यस निरोत्तम सिट डाउन। ओह सैर ते जा रहे हैं। नो नो, आई आवाज ही बेटा करनी किसी ने। शाबाश। अच्छा लकी से करमजीत सैर से जा रहा है बेटा। स्टार्ट तो करो ना, इन स्टार्ट करो ना। नहीं आता पूरा छोड़ दो, स्टार्ट करो। हाँ वेरी गुड, पूरा नहीं आता ना कोई बात नहीं, स्टार्ट करो करमजीत। वेरी गुड, बनाओ करमजीत। जा करमजीत सैर से जा रहा है। करमजीत, करमजीत इज गोइंग। बेटा मैं कितनी बार बोला है, कंटिन्यू था ना, जा रहा है कंटिन्यू था ना, तो कंटिन्यू वर्ब वर्ब फॉर्म आया थी। करमजीत इज गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक। करमजीत भज रहा है। वेरी गुड, करमजीत दौड़ रहा है। रनिंग, दौड़ तो पता फर्क है। करमजीत तुर रहा है, ठीक है ना बेटा। तो करमजीत सैर पे जा रहा है। वेरी गुड, ठीक है ना, अंडरस्टैंड। चलो बेटा, जिसको नहीं पता चलता ना, द वन हु कैंट अंडरस्टैंड, वो खड़े होकर पूछ लिया करो। ओके अंडरस्टैंड। सुन नेक्स्ट चलिए, अगे चलिए आप। फतेह स्कूल आ रहा सी। फतेह स्कूल आ रहा सी, जा रहा नहीं बोला, फतेह स्कूल आ रहा सी। वाज कमिंग टू स्कूल। सो नाउ पास्ट परफेक्ट दे भी जाने बेटा, पास्ट परफेक्ट के अलावा वाज एंड वर, ठीक है। इफ सिंगुलर वाज, एक तो ज्यादा देना वर, ठीक है। अंडरस्टैंड बेटा, एनी प्रॉब्लम? सेम इन द फ्यूचर कंटीन्यूअस विल बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनवी, ठीक है। ओह स्कूल, हम आप एक एक एग्जांपल लेते हैं। ओह स्कूल जा रहा है। ओह स्कूल जा रहा होगा। ही विल बी, ही ओह स्कूल जा रहा सी। ही वाज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। ओह स्कूल नहीं जा रहा सी। अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। सो इन्हों लर्न करना प्रॉपरली, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ग्रुप के बीच में एक बार आज ग्रुप के बीच बेटा वास्तव में बहुत सारे स्टूडेंट्स हूज नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड इन द ग्रुप सर, स्टैंड अप। जिनका नंबर रजिस्टर्ड नहीं है ग्रुप में अभी तक, वो खड़े हो जाओ बेटा। मैम से बोल के रजिस्टर करवाओ आप, गुरमीत मैम को बोल के, ठीक है। ओके जिस सिट डाउन, जिन बच्चों का ग्रुप में रजिस्टर्ड नहीं है नंबर ना, वो करवा लो आप, ठीक है। अंडरस्टैंड बेटा? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अच्छा हम दसो ऑनलाइन क्लास कहड़ा कहड़ा बच्चा लै सकता है? हु कैन टेक ऑनलाइन क्लास? खड़े हो जाओ जो बच्चे लै सकते हैं ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लास लगाया करेंगे, एक क्लास भी लगे तो वही ऑनलाइन क्लास भी लगाया करेंगे, मिस नहीं करना किसी बच्चे ने। साइड से आ जाओ उधर। वेरी गुड, द स्टूडेंट्स हु कैन टेक ऑनलाइन क्लास इधर साइड से आ जाओ। ठीक है ना बेटा? ओके इधर आ जाओ बेटा। नो नॉइस, नो नॉइस, नो नॉइस, नो नॉइस, कीप साइलेंट। आवाज नहीं करना किसी ने बेटा, आवाज नहीं करनी किसी ने।
आप बॉयज गर्ल्स ऑनलाइन क्लास में इसमें क्या है, आपको बॉयज गर्ल्स हम साथ में करते हैं वहां पे जाके। ओके आप स्टूडेंट हो गए तो है ना, नहीं आ जाएगी कर लेंगे पूरे तो बेटा हो जाओ इधर हो जाओ। यस बेटा अपना नेम नोट ऑन करवा देना कुछ इतना को ठीक है, इवनिंग टाइम रखेंगे हम, इवनिंग टाइम होगा क्लास का ठीक है, जिस दिन क्लास होगी उस दिन हम मैसेज कर देंगे आपको, जिस दिन क्लास नहीं होगी उस दिन मैसेज नहीं आएगा, सिर्फ उस दिन ही मैसेज आएगा आपको जिस दिन क्लास लगेगी आप। ओके अंडरस्टैंड ठीक है, तो वो इंग्लिश स्पीकिंग क्लास नहीं लगाएंगे हम, इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तो आपकी यहाँ पे लग रही है ना ठीक है, जितना टाइम यहाँ पे क्लास लग रही है उतना टाइम इंग्लिश स्पीकिंग क्लास आपकी नहीं लगेगी। वेल बी ओवर हियर क्योंकि कल से वी आर स्टार्टिंग पीरियड्स, कल तो आप पीरियड स्टार्ट कर रहे हैं, कल तो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, सो दैट की इंग्लिश स्पीकिंग क्लास आप इंग्लिश स्पीकिंग क्लास आप ऑनलाइन लगा करेंगे शाम में ठीक है। ओके 8 o'clock टू 9 o'clock कौन केड़े केड़े बच्चे ले सकते हैं पहला दसो सारे, बेटा बंद कर दो कैमरा, वेरी गुड।